थलवाड़ में हुई चोरी की वारदात का डेढ़ माह बाद भी पुलिस न कर पाई खुलासा, एसडीएम को सौंपा गया पद। सायला थाना क्षेत्र के थलवाड़ गांव में एक कृषि बेरे पर बने मकान में घटित चोरी की वारदात के डेढ़ माह बाद भी पुलिस द्वारा खुलासा नहीं करने पर पीड़ित विधवा दरिया देवी, पत्नी सुनीलाल, उम्र 65 साल, जाति पुरोहित निवासी थलवाड़ ने सायला उपखंड अधिकारी सूरज भानविष्णु को ज्ञापन देकर उसके मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार थलवाड़ निवासी विधवा दरिया देवी ने ज्ञापन देकर बताया कि थलवाड़ में उसका कृषि बेरा आया हुआ है तथा बेटे मजदूरी के लिए देशावर रहते हैं। विधवा दरिया देवी अपनी पीहर दासपा गई हुई थी। इस दरमियान 31 मार्च की रात्रि को अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना 1 अप्रैल को काश्तकार पेकाराम मेघवाल ने फोन पर दी, जिस पर कृषि बेरे पर बने मकान में आकर देखा तो लगभग 25 लाख रूपए से अधिक कीमत के चोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी हो गई थी। वही पीड़िता के पुत्र राम सिंह ने 3 अप्रैल 2022 को पुलिस थाना सायला में मुकदमा दर्ज करवाया था तथा चोरी की वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिए थे, लेकिन पुलिस द्वारा डेढ़ माह बाद भी घटना का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में अनुसंधान अधिकारी को बदलकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। इससे पूर्व भी विधवा दरिया देवी ने 18 अप्रैल व 5 मई 2022 को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जालौर के समक्ष पेश होकर मामले की उचित कार्रवाई करने व अनुसंधान अधिकारी बदलने की मांग की थी, लेकिन आज दिन तक अनुसंधान अधिकारी को नहीं बदला गया है। वहीं दरिया देवी ने ज्ञापन में उचित कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।